का विपक्ष पर हमला, कहा इंडी गठबंधन वाले परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे। अमित शाह ने ओडिशा में जनसभा को किया संबोधित, कहा 75 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना लक्ष्य। झारखंड में विपक्ष पर जमकर बरसे राजनाथ सिंह, कहा पीएम ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पीएम केजरीवाल ने किया 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा, कहा 300 से अधिक सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वी चंपारण और महाराजगंज लोकसभा सीट पर चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इंडी गठबंधन वालों ने पहले यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं और आरजेडी के नेता आपसे यहां वोट मांग रहे हैं। इस धरती ने देश को दिए हैं ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है, पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव चल रहा है। अब तक 5 चरणों में मतदान हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओडिशा के संबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को समृद्ध, सुरक्षित और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो वो गरीबी दूर करेंगे। आप आंकड़े उठा ले, उन्होंने कितनी गरीबी दूर करी, लेकिन 9 साल में पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। यह भारत की ताकत, भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है, सभी को सम्मान करना चाहिए।
लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि 4 जून को मोदी सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च न्यायालय से मंगलवार को झटका लगा है। जमीन घोटाले में आरोपी हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। उनकी अंतरिम जमानत पर अदालत कल फिर विचार करेगी। वहीं सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउ रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच कर रही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हो रही थी, ऐसे में उन्हें राउ रेवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया। कोर्ट के जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।